बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 9th की चैप्टर 1, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड दियर मेजरमेंट। इससे पहले 3 लेसन हो चुके हैं, ये चौथा लेसन है जिसका टॉपिक है प्रीफिक्सेस। यानी आज हम प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रीफिक्सेस टुडे, गेट रेडी। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस सिलसिले के जितना लेक्चर्स हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। ये चैनल है तालीम 360 डिग्री और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। और हमारी फाउंडेशन जो लेक्चर तैयार कर रही है वो है डेयर फाउंडेशन। मेरा ईमेल एड्रेस है nasirkiani@gmail.com। अगर आपने कोई पूछना है, कोई रहनमाई हासिल करनी है, तो आप इस एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, क्लास है 9th, चैप्टर है 1। आज का टॉपिक है प्रीफिक्सेस, जिन्हें उर्दू में हम साबके कहते हैं। प्रीफिक्स का लफ्ज प्री और फिक्स से बना है। प्री मीन्स बिफोर आर प्रायर एंड फिक्स मीन्स टू पुट। यानी प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब रखना, यानी किसी लफ्ज़ को किसी लफ्ज़ से पहले रखना, जिसे उर्दू में हम साबका कहते हैं। प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ लेटर। प्रीफिक्स एक ऐसा लेटर होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी दूसरे लेटर से पहले इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम ये लफ्ज़ लगाते हैं तो उसके मानी में तब्दीली आ जाती है और उसके मानी में इजाफा हो जाता है। इसको हम आइंदा मिसालों से समझेंगे। प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और अ वर्ड दैट एड्स द मीनिंग्स ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। प्रीफिक्स एक ऐसा हर्फ होता है या एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो असल लफ्ज़ से पहले लगता है और उसके मानी में इजाफा कर देता है। मिसाल के तौर पे कंप्लीट एक वर्ड है, कंप्लीट इज़ अ वर्ड, इससे पहले हम इन लगा दें तो ये हो जाएगा इन प्लस कंप्लीट, तो ये एक नया वर्ड बन गया इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब है मुकम्मल और इनकम्प्लीट का मतलब है नामुकम्मल। तो यहाँ पर इन प्रीफिक्स है, इन साबका है। इसी तरह उर्दू में भी हम बहुत से साबके इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस को हम कुछ मज़ीद मिसालों से समझते हैं। जैसे वर्ड है डोर, इससे पहले प्रीफिक्स लगाते हैं इन, इसका बन गया इन डोर। वर्ड है डोर, इससे पहले आउट प्रीफिक्स लगा दिया, बन गया लफ्ज़ आउट डोर। फेयर एक लफ्ज़ है, इससे पहले अन लगा दिया तो नया लफ्ज़ बन गया अनफेयर। ग्राम एक लफ्ज़ है, इससे पहले किलो लगा दिया किलोग्राम, तो किलो प्रीफिक्स है। मीटर से पहले किलो लगा लें तो ये बन जाएगा किलोमीटर, तो किलो प्रीफिक्स है। साइंस में हम बहुत बड़ी बड़ी मकदारें और बहुत छोटी छोटी मकदारें भी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हमें बहुत ज़्यादा लंबे फासले नापने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी चीज़ों की पैमाइश करनी पड़ती है, जैसे एटम है, एटम का न्यूक्लियस है। यानी हमें यूनिट्स के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी रकमें लिखनी पड़ती हैं, तो इसके लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। इन साइंस वी हैव टू यूज़ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल यूनिट्स टू रिप्रेजेंट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स, वी यूज़ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स के इस्तेमाल से इन यूनिट को ज़ाहिर करना और इन यूनिट को लिखना आसान हो जाता है। आगे चल के हम समझेंगे कि किस तरह साइंस में और ख़ास तौर पर फिज़िक्स में प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ यूनिट्स को, बड़ी बड़ी मकदारों को और छोटी छोटी मकदारों को आसानी से ज़ाहिर कर सकते हैं।
फिजिक्स में प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये एक ऐसा लेटर या वर्ड होता है जो किसी यूनिट से पहले इस्तेमाल किया जाता है। प्रीफिक्स इज़ अ लेटर आर वर्ड यूज्ड प्रायर टू अ यूनिट, सच एज किलो, मेगा, मिली, माइक्रो। ईच प्रीफिक्स हैज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू, हर प्रीफिक्स की एक ख़ास वैल्यू होती है, उसकी एक ख़ास कीमत होती है। और जब वो प्रीफिक्स किसी यूनिट के साथ लगती है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू का तयन किया जाता है। कुछ मिसालों से हम समझते हैं। हेक्टो प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू है 100। किलो प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू है 1000। मेगा 1 मिलियन के बराबर होता है, और मिली 1000th पार्ट यानी 1000वां हिस्सा, और माइक्रो 1 मिलियंथ पार्ट यानी 10 लाखवां हिस्सा माइक्रो के बराबर होता है। फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली प्रीफिक्सेस जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, उनके नाम, उनकी अलामतें, सिंबल्स और उनकी वैल्यूज़ के बारे में हम अब बात करते हैं। पीटा सिंबल है इसका, पी, और वैल्यू है इसकी 10^15 यानी 10 की ताकत 15। टेरा टी, स्मॉल टी, वैल्यू है इसकी 10^12। गीगा सिंबल है इसका स्मॉल जी, और इसकी वैल्यू है 10^8। मेगा एम कैपिटल, और वैल्यू है इसकी 10^6। किलो के, और वैल्यू इसकी है 10^3। हेक्टो सिंबल है इसका एच, और वैल्यू है 10^2। डेका सिंबल है DA, और वैल्यू है इसकी 10। डेसी सिंबल है इसका स्मॉल डी, और वैल्यू है इसकी 10^-1। सेंटी सी, और वैल्यू है 10^-2। मिली स्मॉल एम, वैल्यू है 10^-3। माइक्रो सिंबल है इसका म्यू, और वैल्यू है 10^-6। नैनो सिंबल है इसका एन, और वैल्यू है 10^-9। पीको सिंबल है स्मॉल पी, वैल्यू है 10^-12। फेमटो सिंबल है स्मॉल एफ, वैल्यू है 10^-15। आटो सिंबल है स्मॉल ए, और वैल्यू है 10^-18। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव फुली अंडरस्टूड द टॉपिक प्रीफिक्सेस। आपका शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह प्रीफिक्सेस का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके पास आती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वंस अगेन।